आपके बालों की शान, आपके बालों की जान। 100% नेचुरल केटीसी हर्बल हीना पाउडर। केटीसी हर्बल हीना पाउडर। जो वेट स्पेल था जो पश्चिम विक्षोभ के कारण ये स्पेसिफिक स्थिति पैदा हुई थी, तो काफ़ी जो हमारे 11 जिले थे उसमें ऑरेंज अलर्ट था। तो जो बारिश भी हुई है, लेकिन जो बारिश है धीमी धीमी हुई है, ज़्यादा इतनी तेज़ बारिश कहीं नहीं। उसी प्रकार जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है उसमें बर्फबारी भी हुई है। तो पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया था, सभी डिप्टी कमिश्नर ने भी जो टूरिस्ट है और जो लोग हैं उनको आगाह कर दिया था, इवन कई रूटों को बंद भी कर दिया था। लेकिन अभी जो हाल ही में जो अभी रिपोर्ट आ रही है उसमें दो जगह जो लाहौल स्पीति में है कुछ 9 और 11 लोग जो फंसे हुए हैं, लेकिन सभी सेफ है और जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की टीम है वहाँ पर पहुँच कर उनको यानी कि जो वहाँ से लाने का कार्य कर रही है। हाँ जी, जनरली जो अक्टूबर रहता है वो मौसम ठीक रहता था, लेकिन आज जो हमारे जो हम अर्ली वार्निंग सिस्टम है या फिर इंफॉर्मेशन है वो काफ़ी स्टीक मात्रा में स्टीक तरीके से IMD द्वारा और अदर साइट से भी हमें मिलती है, तो हम उसको डिसेमिनेट करते हैं। लगभग जहाँ तक ये 17-18 का था, ये भी 2-3 दिन पहले ही सबको आगाह कर दिया था कि बारिश ज़्यादा होने की संभावना है, तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ना जाएं और अनसेफ जगह पे ना जाएं। लेकिन जो जिला प्रशासन है वो इस बारे में कार्य करता रहता है, और जो कुछ एक ऐसे किसी उसके लिए भी जो प्रिपेयर्डनेस है और जो तैयारियां हैं वो जिला प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर कर दी जाती है। जैसे जो मौके की अभी रिपोर्ट थी उसके अनुसार जो पुलिस की टीम है वहाँ पहुँच गई है और कुछ यानी कि आई थिंक वो खतरे में नहीं है। तो अभी मैं और इसमें रिस्पांस लेकर देखते हैं, लेकिन वो आई थिंक उतनी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और यानी कि हमारे जो साल में यानी कि हमें कई प्रकार के लॉसेस झेलने पड़े, जैसे पहले जो हमारे ड्रॉट के उसका मेमोरेंडम हमने भेजा, फिर हेल स्टॉर्म है उसका मेमोरेंडम भेजा, दोनों मिला के 650 करोड़ के थे। और इसके लिए जो IMCT विजिट है जो हेल स्टॉर्म के लिए है वो अभी 26 तारीख से इसमें जॉइंट सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है उनके आने की संभावना है, फाइनल प्लान बन रहा है। और जो मानसून लॉसेज है जो 13 जून से 8 अक्टूबर तक इस बार मानसून चला, उसमें 1161 करोड़ का जो मेमोरेंडम ऑफ लॉस है वो लगभग हमने तैयार कर दिया है। अब हायर अथॉरिटी से उसमें स्वीकृति के बाद हम उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे ताकि उसमें भी हमें जो NDRF से जो सहायता मिलती है वो मिल सके। इस बार मानसून सीजन में काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी लैंडस्लाइड्स हुए और लगभग 481 लोग बेचारे एक्सपायर हुए और 1161 करोड़ का जो है हमने लॉस अभी तक जो यानी कि नोट किया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे, भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।